नालंदा जनपद बुधवार को राजेंद्र नाथ लाहड़ी स्मारक इंटर कॉलेज डुमरिया डी में स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह एडवोकेट के 10वीं पूर्ण तिथि पर अंतर महाविद्यालय नेट बाल प्रतियोगिता एवं लायंस क्लब दिलीप सिंह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद पाली क्लिनिक हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह के कुशल देखरेख में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के रहने वाले सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मगहर आश्रम के महंत विचार साहब ने मंच को संबोधित करते हुए छात्राओं एवं जन समूह को दया और करुणा का संदेश दिया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने प्रतियोगी छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी लक्ष्य के प्रति समर्पण और अटूट लगन से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ ही मनकापुर राज घराने के कुंवर अतुल कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कॉलेज प्रबंधन के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं मनकापुर चीनी मिल के यूनिट हेड डॉक्टर नीरज बंसल एवं जीएम केन उमेश सिंह विसेन ने स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह के जीवन गाथा पर प्रकाश डाला। देखिए, आज राजेंद्र नाथ लेडी जो इंटर कॉलेज है यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए और लॉयंस क्लब के साथ में मिलकर के यहाँ के बच्चों के बीच में बहुत अच्छी दो तीन चीज़ें आज की गई हैं। सबसे पहला तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है वो रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने, बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुझे बताया गया अभी लगभग 50 बच्चों ने रजिस्टर किया, उसमें से 30 लोगों ने दे भी दिया है रक्तदान। तो ऐसे सरोकार के कार्यों में युवाओं का आगे आना अपने आप में इंगित करता है कि जो युवा वर्ग है वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक समर्पण का जो भाव है उसको अपने अंदर इंकल्केट कर रहा है। साथ साथ में खेल कूद प्रतियोगिताएँ जो हुई थी विगत कुछ दिनों में, उनको लेकर के भी आज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें यहाँ पर हम लोग मौजूद थे और इस कार्यक्रम को सफलता रूप से यहाँ मनाया। मैडम, गोंडा की बच्चियाँ आपको आदर्श मान रही हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल परीक्षा तैयारी, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए सफल? देखिए, मैंने मंच के माध्यम से भी प्रयास किया कि मैं मैसेज दूँ कि अपनी जो उन्होंने लाइफ में बनाया हुआ है लक्ष्य, ये जो बनाया हुआ है उसके प्रति पूरे समर्पण के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़े। एक डेडिकेटेड वे में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित सफलता हाथ लगती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप परिकल्पना करेंगे चालू की, अगर आप फेल भी हुए तो आप कम से कम सितारों के बीच में तो आएंगे। तो इस तरीके की पॉजिटिविटी के साथ में बच्चियाँ, बच्चे जो भी करियर के प्रति अपने पूरे समर्पण भाव के साथ में तैयारी कर रहे हैं, लायंस क्लब जहाँ देखिए हर जगह उपस्थित रहता समाज सेवा में, उनके लिए क्या कहेंगे? लायंस क्लब का निरंतर हम लोगों के साथ में सहयोग बना रहता है और मैंने देखा है कि और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ प्रशासनिक भूमिका में हम लोग चाहते हैं कि सहयोग बने लोगों का, जहाँ लोगों का जन सहभागिता की बात बन पाए, वहाँ लायंस क्लब की प्रेजेंस देखने को मिलती है। चाहे वो बंटांगिया समुदाय को जब हम लोग मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास में दिवाली का आयोजन था, वहाँ बात हो, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, या इस तरीके के आयोजनों की बात हो, रक्तदान की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। उनके सभी पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, सभी दिलीप जी को, सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।